अभी बकरी का दो दो का बच्चा हो गया, इतना मस्त दिख रहा है। अभी पापा इन लोग का फोन लेकर के भाग गए हैं, मतलब ये लोग घर के अंदर घुस के सिर्फ पबजी खेलते थे, पापा छीन के फोन लेकर के चले गए हैं। आज बकरी बच्चा दी है दो ठो, चारों लोग का फोन लेके चले गए पापा, तो देखे क्या हालात हो गए इनका। रोया तुझे ढूंढ ढूंढ के रोया था मैं। तो गाइस अभी देख सकते हैं दादी बकरी का बच्चा को ढक रही है, नहीं तो कुत्ता खा लेंगे इनको। अभी दादी का बकरी अभी बच्चा दे रहा, तो चलिए देखते कैसे बच्चा देता है। देखिए यहाँ पे दादी का बकरी है जो ये बच्चा दे रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? तो अभी बकरी बच्चा देगी, उसके बाद दिखाते हैं। अभी बकरी का दो दो का बच्चा हो गया, इतना मस्त दिख रहा है। इसका मम्मी चाट कर, इसको सफा कर रहे हैं। सो हेलो गाइस, आप इन दोनों को देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा हो गया। अब बस इसका आँख खुलना बाकी रह गया, बाकी इसके बॉडी पे हेयर आ गए। अभी इसकी मम्मी बेड के अंदर चले गई, तो उसको निकाल नहीं पा रहे। जैसे निकलेंगे इनको दूध पिला देंगे। और घर में बकरी का बच्चा भी हुआ, जैसे कि अरमान आप सभी लोगों को बता दिया होगा, तो चलिए अभी उसके पास चलते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस अभी दोपहर के 4 बज रहे, दोपहर नहीं अब शाम होने चला, तो अभी 4 बज रहा है। और सुबह में अरमान छोटा सा ब्लॉग बनाया था जिसमें बकरी बच्चा दिया था, तो चलिए अभी घर के बाहर जाकर के दिखाते हैं बकरी का बच्चा को। और सलमान लोग का फोन भी पापा लेके चले गए हैं, और यहाँ पे मम्मी लोग बैठ करके क्या डिस्कशन कर रही है। कल मम्मी का एनिवर्सरी है इसलिए। अच्छा, तो कल क्या बनेगा? बिरयानी बनेगा। तुम्हारा कितना कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ रे? कितना पारा हो गया? 20 पारा। एक कुरान शरीफ में 30 पारा होता है, जिसमें से ये 20 पारा पढ़ ली और इसका 10 पारा रह गया। फिर एक बार मुकम्मल होने के बाद वापस से मुकम्मल करेगी ये। बेचारा लोग का फोन लेके चले गए पापा, तो देखे क्या हालात हो गया इनका। गाना गा, मैं रोया तुझे ढूंढ ढूंढ के रोया था मैं, इन रातों में सोया ना था मैं, रोता था तेरी याद में, मैंने कभी ना सोचा तुझे, बस रोया यूं ही खुद से, क्यों दिल को तोड़ा, क्यों दिल तो संभलता रहा। मैं रोया तुझे ढूंढ ढूंढ के। अभी पापा इन लोग का फोन लेकर के भाग गए हैं, मतलब ये लोग घर के अंदर घुस के सिर्फ पबजी खेलते थे, पापा छीन के फोन लेकर के चले गए हैं। अभी बेचारा लोग दुखी में बैठा हुआ है। कौन बता दिया था दादी पापा को? कोई नहीं, गलत बात ना बोल। यहाँ पे सबको चप्पल खोल करके अंदर गया, इन लोग पूरा दोस्त वोस्त को लेकर के आया था, पूरा भीड़ लगा के खेल रहा था। कितना रस किया, पापे रस कर दिया ना। और गाइस देख सकते हैं आज बकरी बच्चा दी है दो ठो। दादी क्या क्या बच्चा दी? दोनों बकरी या खस्सी बकरी? खस्सी है, वो पाठी है। एक लड़की एक लड़का है, देख सकते हैं ये वाला दी है बकरी बच्चा। यहाँ तो ही तो कहाँ पे, तो ये दोनों दादी के बकरी का बच्चा है। देखिए कितना मस्त है, ये वाला खस्सी है। तो ये वाला लड़का इसलिए मोटा है। दो दो छोटा छोटा बकरी का बच्चा हो गया, और दो दो छोटा छोटा खरगोश का बच्चा हो गया। टोटल 4 बच्चा आ गया घर में। देख सकते हैं खरगोश घर से बाहर निकल जाता है, इसका एक दिन कुत्ता खा लेगा। देखिए कैसे रोड में निकल करके घास खा रहा बैठ करके। तो गाइस अभी देख सकते हैं दादी बकरी का बच्चा को ढक रही है, नहीं तो कुत्ता खा लेंगे इनको। उसके मम्मी को भगा के इन लोग को पकड़ना है, फिर इसके अंदर रख देना है। अब इन लोग को कुत्ता नहीं खाएगा। और वहाँ पे देखिए खरगोश कैसे बैठ करके लग रहा कि बकरी का जैसा बैठा हुआ है। अब देख सकते हैं ये बकरी जा रही है, उसको खाएगा ना जब कुत्ता, फिर पता चलेगा। ये अभी मम्मी को पागल बोल के जा रही है किधर, जाओ अपना खरगोश पकड़ो, रोड के बाहर गया हुआ है। तो ये अपना सारा दोस्त को बुलाया, जितना भी दोस्त था सबको बुलाया, बोला कि आ जाओ जल्दी जल्दी पबजी खेलेंगे। फिर घर के पीछे वाला मतलब रोड के साइड वाला घर कबाड़ है, वहाँ कोई भी नहीं जाता। वहाँ सलमान सब कोई को लेकर के गया, बोले चलो यहाँ पे खेलते। और जैसे खेला फिर पापा को आवाज आवाज सुनाई मिला, चप्पल वप्पल था, तो पापा समझ गए कि कुछ हो रहा है घर के अंदर। पापा उधर जा करके देखे, तो देखते कि पूरा महफिल बनाया है बहुत सारा एकदम। कितना लड़का था रे? बात तो
भाग तो लगभग 6-7 लड़का लोग सब घुस गया, छोटा छोटा इसके एज का जितना भी है, इसका सारा दोस्त आ गया और सब मिल करके गेम खेला। पापा पकड़ के सब कोई को डांटे हैं। बेचारा का फोन लेके चला गया। उस टाइम पे ब्लॉग बनाने के बाद हम नमाज पढ़ने चले गए थे, नमाज पढ़ के अभी आए और अभी मैंने वॉच नहीं पहन रखा है। अभी टाइम हो रहा है 4:30, तो अभी मम्मी क्या बोलते हैं उसको, क्या बना रही है? तो मम्मी अभी नमकीन बना रही है। सारा बाजी कुछ नाम बता रही है पान पूड़ी करके। तो ये वाला पूड़िया है जो कि नमकीन के जैसा क्रंची रहेगा, क्रिस्पी रहेगा। मम्मी देखिए बेल रही है उनको, पान पूड़ी तो मम्मी बना रही है। तो हमको बहुत जोर का सुसु आया, तो यहाँ से ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। सायरा अपी लो लो करो 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 ब्लॉगिंग करो, बनाने आता है ना। तो अभी गाइस फाइनली फॉर्चून डाल दिए हैं और मेरी मम्मी यहाँ पर बना रही है। तो अभी हम दिखाते हैं पानपुरी कैसे बेला जाता है। तो देखिए गाइस मम्मी बना रही है, पहले प्याज छांक लो बाद में कुछ, क्योंकि इसको इस टाइप से मोड़ देना है। 3 टाइप का मोड़ आ गया है इसको, उसके बाद प्लेटन दे। फाइनली मम्मी यहाँ पे सारा पूरी को बेल रही है। तो ये पहले मैंने पकौड़े छांक लिए, क्योंकि मम्मी ने कहा कि पहले पकौड़े छांक दो तब उसके बाद हो, क्योंकि वो पहले छांकूंगी। तो गाइस इन लोगों ने इतना से क्या क्या ब्लॉगिंग की पता नहीं, हम सुसु करने गए थे, अभी जस्ट हम टॉयलेट से आए हैं और ये लोग पकौड़ियां छांक रही है। फाइनली ये बन करके रेडी हो गया है। क्या बोल रही थी इसको, क्या नाम था? पान पूरी। तो ये नमकीन बन करके रेडी हो गया है। सारा बाजी के लैंग्वेज में इसको पान पूरी बोलते हैं। मिस्टिया के बोले थे कि मेरी दादी ना, मेरी दादी भी ऐसे ही बनाते है इसको ना, मेरी दादी बोलती है पान पूरी। सो गाइस 6 बजे नमाज पढ़ने के बाद, रोजा खोलने के बाद अभी वापस से ब्लॉग स्टार्ट किए और अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। पता नहीं, हाथ हम घड़ी भी पहन करके नहीं रखे ना, तो टाइम का पता भी नहीं चल रहा। तो अभी लेते हैं वॉच। अभी टाइम हो रहा है 7:40, यानी कि अब तरावी नमाज का टाइम हो गया। 8 बजे अजान हो जाएगा, 8 बजे के बाद 8:30 बजे तक नमाज, फिर तरावी का नमाज आधा घंटा, सूरह तरावी होता है ना। और मम्मी मेहंदी लगाई है, कल मम्मी का एनिवर्सरी है, 2001 अप्रैल में शादी हुआ था, 1 अप्रैल 2000 है ना मम्मी। और हम पैदा हुए थे 2004 में, सहरा बाजी पैदा हुई थी 2002 में। तो गाइस अभी रमजान चल रहा ना, तो हर टाइम नमाज में चले जाते हैं, तो ब्लॉग अच्छा से बन नहीं पा रहा। रमजान के बाद आई होप कहीं घूमने बाहर जाएंगे या फिर कुछ अच्छा सा ब्लॉग देखने को मिलेगा आप सभी लोगों को। तो अभी जस्ट 7:42 हो रहा ना, अभी कुछ टाइम में अजान हो जाएगा, फिर नमाज पढ़ने चलते, फिर नमाज के आने के बाद खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। नॉर्मल यही रूटीन है अभी। ये दोनों देखे अभी भी मेहंदी से क्या कर रही है। सो गाइस अभी नमाज पढ़ करके आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है जैसे कि 9:07, तो चलिए चलते अभी खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद अभी सो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो गया है। और आई होप आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आज उतना कुछ खास ब्लॉग नहीं था, बस घर पे ही घूमे और घर पे आज बकरी का बच्चा हुआ नया नया, तो ब्लॉग वो नया बन गया था। तो आई होप आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। हम ही आ रहे खाना खाने। अगर आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।